वेलकम टू इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स विद फातिमा यूट्यूब चैनल। एट बे का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। एट बे का मतलब है किसी चीज को कंट्रोल करना या इसे आपको मसाइल पैदा करने से रोकना। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम और हार्म, यानी कि आप किसी चीज को इसीलिए आपसे अपने आप से दूर रखें कि वो आपको हार्म ना करे, आपको नुकसान ना पहुंचाए, या आप जनरली किसी चीज से स्पेस पे रहें। A thick wall keeps the noise at bay. इस example का उर्दू meaning देख लेते हैं। एक मोटी दीवार शोर को दूर रखती है। ठीक है, तो इसमें वो कहना चाह रहा है कि एक thick wall जो है, अगर वो घरों में हो तो फिर noise एक कमरे से दूसरे कमरे तक आवाजें या शोर जो है वो नहीं जाता, वो at space रहता है, at bay रहता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल इंग्लिश लर्नड फॉर लॉन्गर इंग्लिश थ्रू उर्दू वीडियोस। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।